गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आज हम आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताएंगे। लेटर राइटिंग का ज्ञान क्या होता है वो आज हम आपको सिखाएंगे। लेटर राइटिंग इज एन एसेंशियल स्किल। लेटर राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हुनर है, स्किल है, इट्स एन टैलेंट। बच्चों, ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस और अन्य इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेटर को हिंदी में पत्र तथा उर्दू में खत कहते हैं। क्योंकि हम लेटर्स में ग्रीटिंग्स या और इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं रिलेटिव्स को अलग, और अपने ऑफिसर्स को, स्कूल्स को, स्कूल्स में अलग प्रकार के लेटर्स होते हैं, इसलिए बच्चों लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लाइक ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस, इट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस आवर ग्रीटिंग्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सो द लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। इसलिए प्यारे बच्चों, जो लेटर्स होती है, खत होती है, वो दो प्रकार के है। कौन से है? फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर राइटिंग। अब हम आपको बताएंगे फॉर्मल लेटर्स क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स की, क्या है? ए फॉर्मल लेटर इज वन रिटन इन फॉर्मल एंड सेरेमोनियस लैंग्वेज एंड फॉलोज ए सर्टेन स्टिपुलेटेड फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर वो होती है जो कि फॉर्मल तरीके से, जैसे ऑफिस में लिखे जाते हैं, स्कूल्स में लिखे जाते हैं, कि जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही सेरेमोनियस होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज रखनी पड़ती है इसमें। और जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही स्टिपुलेटेड होता है, बहुत ही मतलब एक अच्छे प्रकार से हम इस लेटर को हमें फॉर्म करना होता है। सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस टू द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज, डिग्निटरीज, कलीग्स, सीनियर्स। इस प्रकार के खत ऑफिस में यूज होते हैं, स्कूल्स में हायर अथॉरिटीज को, डिग्निटरीज, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उन कलीग्स, उनके लिए हम ये सब पत्र लिखते हैं। ये खत उन्हीं के लिए है, ना कि हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए। नॉन टू पर्सनल कॉन्टेक्ट्स लाइक फ्रेंड्स और फैमिली। इन पत्रों को ना हम फैमिली में साझा कर सकते हैं, ना अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर्स जो खास तौर पर हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं, अपने हायर ऑफिसर्स को या अपने कलीग्स को भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो फॉर्मल लेटर्स के द्वारा हम दे सकते हैं। अब है टू राइट ए फॉर्मल लेटर, हमें फॉलो द ब्लो टिप्स। टू राइट द फॉर्मल लेटर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ चीजें फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले एड्रेस और ग्रीट द कंसर्न। सबसे पहले हमें जिसको लेटर लिखनी है उसको ग्रीट करना है, पर्सन प्रॉपरली लाइक डियर सर और मैडम। ऑलवेज मेंशन द सब्जेक्ट, सबसे पहले। दूसरी बात हमें यह है कि हमें सब्जेक्ट जरूरी लिखना है कि रीजन क्या है हमारे लेटर का, हम क्यों लेटर लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट सबसे टॉप पे आना चाहिए आफ्टर ग्रीटिंग, एड्रेस करने के बाद। बी कंसाइज इन योर लेटर, राइट द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। और जो हमें लेटर की बॉडी जो होती है वो हमें खींचनी नहीं होती, उसमें अपनी स्टोरी नहीं गढ़नी होती है, उसको कंसाइज रखना होता है, बहुत ही सटीक तरीके से हमें लिखनी है, जिसमें हमारा रीजन भी पता चले और हमारा जो लैंग्वेज है वो सिंपल भी रहे। बी कंसाइज इन योर लेटर, राइट द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। और पहले ही पैराग्राफ में हमने रीजन लिख देना है। डू नॉट स्ट्रेच द लेटर टू मच, इसकी जो हमें ना कहानी का रूप नहीं इसको देना है, इसमें हमें अपने ही जो मसाला हम ऐड करते हैं लाइक इन द स्टोरी, वो नहीं ऐड करना है कि उसको और रोमांचक मोड़ नहीं हमें देना है। हमें अपने स्पष्ट तरीके से बच्चों इसमें लिख देना है कि अच्छुपन स्केच लेटर लिखा पैनस हेडमास्टर्स या पैनस कलीगस या बेकुन जाए कंप्लेंट लेटर से आसान करें, हमारी बाइक चोरी हो गई, थेफ्ट लेटर हो गए, तो उसमें हमें पूरा रीजन लिख लेना और सिंपल तरीके से अपना जो भी कारण है वो उसमें हमें अच्छुपन रीजन मानू सिंपल तरीके पर ग्रामर गलत गसुन। द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट, हमें पोलाइटली अपने
ऑफिसर से अपने कलीग से बात करनी है, नॉट हार्श। हमें उसको ऑर्डर नहीं देना है, हमें उसको रिक्वेस्ट करना है। ज्यादातर में इसमें रिक्वेस्ट की तरह बात होती है, पोलाइटली। राइट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, और हमें जैसे हम पैराग्राफ राइटिंग होती है कि हम स्टार्टिंग से कर देते हैं शुरू या स्टोरी से, ना इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि नेक्स्ट पेज में हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से लेटर हम लिखते हैं उसको फॉर्मेट बोलते हैं, वो आपको जरूर फॉलो करना है, कोई लाइन या पैराग्राफ वाइज नहीं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता ही हो, जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं सबसे पहले ऊपर हेडमास्टर का, सर का, स्कूल में हो आप बच्चे तो हम ज्यादातर अपनी क्लास टीचर को सिक लीव लिखनी है तो ऊपर क्लास टीचर, फिर स्कूल का नाम, फिर हम डेट डालते हैं, फिर सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फिर सैल्यूटेशन डियर सर, फिर पैराग्राफ आता है लास्ट में थैंक यू एंड योर्स फेथफुली, उसको हम फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ लेटर, और लेटर की प्रेजेंटेशन पर हमें पूरा क्या ध्यान रखना है। तो बच्चों क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, एड्रेस और ग्रीट द कंसर्न, सबसे पहले एड्रेस करना है पर्सन जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, डियर सर या मैडम के। ऑलवेज मेंशन द सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट लिखना है। बी कंसाइज इन योर लेटर राइटिंग, द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, डू नॉट स्ट्रेच द लेटर टू मच, तो स्ट्रेच नहीं करना है। द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट नॉट हार्श, और लेटर का जो टोन है वो पोलाइट होना चाहिए, ना कि सख्त। हमें किसी को ऑर्डर नहीं करना है, वी आर ज्यादातर हम इसमें रिक्वेस्ट एक विनती करते हैं। राइट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, और इसका फॉर्मेट जो हमें वो फॉलो करना है। नेक्स्ट आई मेंशन द एड्रेस एंड द डेट करेक्टली, एड्रेस अपना और जिसको आप लिख रहे हो दोनों वो पूरा करेक्टली होना चाहिए, डेट। मेंशन द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जैसे अगर आप क्लास टीचर को लिख रहे हो तो ऊपर क्लास टीचर लिखना है कि मुझे हाफ डे लीव चाहिए, या अगर आप हेडमास्टर को लिख रहे हो कि मेरी फीस माफ कर दो या और कुछ, तो उसमें हेडमास्टर का नाम पूरा, रिसिपिएंट उसको पूरा लिखते हैं। या आप अपने मॉनिटर को लिखते हो कि एक लेटर आप मॉनिटर को दे रहे हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो पूरा आपको फॉलो उसका लिख देना है नेम। द क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी विद ग्रेटिट्यूड, लास्ट में हमें थैंक यू यूजिंग करके उसको एंड कर देनी है। यूज थैंक यू फॉर कंसिडरेशन ऑफ द लेटर एंड देन एट लास्ट मेंशन यूर सिंसियरली और ट्रू, और लास्ट वाले पैराग्राफ में हम जैसे लिखते हैं यूअर्स फेथफुली और यूअर्स ट्रूली आर यूअर्स सिंसियरली। फिर है फॉर्मल लेटर राइटिंग के टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं कि हम कैसे लिख, देयर कुड बी मेनी रीजन्स टू राइट अ फॉर्मल लेटर, मीनिंग उसका रीजन क्या होता है। जैसे सिक लीव एप्लीकेशन स्कूल में बच्चे देते हैं, या फी कंसेशन होता है, फी कंसेशन स्टूडेंट्स, फी कंसेशन के लिए हम लिख देते हैं लेटर कि हमारी फीस माफ कर दो, हम नहीं दे सकते। लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, जैसे आप शादी में जा रहे हो तो उसके लिए लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन आपके घर पे कोई जरूरी काम है, लीव एप्लीकेशन फॉर कैजुअल लीव। रेजिग्नेशन, जैसे हम टीचर्स से हम कभी कभी अपने स्कूल्स में या कहीं भी ऑफिस में काम करते हो तो वहां रिजाइन कर देते हैं, उसको रेजिग्नेशन लेटर कहते हैं, इस्तीफा का खत। अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे हम अपॉइंट होते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, वो बाज़ब्ता लेटर के तौर पे हम अपने हमें मिलता है। जॉब ऑफर लेटर, तो दीज आर द रीजन्स व्हाई लेटर्स आर फॉर्मल लेटर्स आर रिटन, ये कुछ रीजन्स है, इनको हम टॉपिक्स भी कह सकते हैं। कंप्लेंट लेटर, अगर हमें शिकायत करनी है, जैसे पुलिस स्टेशन में हमारी बाइक चोर हो गई, हमारा साइकिल चोरी हो गया बच्चों सॉरी, तो वो कंप्लेंट लेटर होती है। बिजनेस लेटर, जो हम बिजनेस के तौर पर किसी को लिखते हैं बिजनेस वगैरह को, उनको बिजनेस लेटर्स कहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है लेटर राइटिंग के, तो होप ये आपको सारे पेजेस क्लियरली विजिबल होंगे। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे प्लीज, ये फॉर्मेट जो है लेटर का ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम नेम ऑफ द सेंडर लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या है इसको ऐसे जो पेज है स्टार्टिंग में हेडिंग में यहाँ कोने में लिख देना है नेम ऑफ द सेंडर, फिर उसका एड्रेस, फिर डेट। डेट ये अलग लाइन है, यहाँ आगे नहीं जाना है, यहाँ पर ही हमें खत्म करके नीचे एड्रेस लिख देना है, फिर डेट। डेट जैसे जो भी डेट होगी वो ऐसे लिख देना है, जैसे हम लिखेंगे 21 आज की डेट, 10 या अक्टूबर पूरा आप लिख दो इसमें 2021, ये ज्यादा अच्छा है।
दिस इज द वे टू राइट दैट. फिर टू हम यूज करते हैं, द मॉडर्न मेथड में टू यूज नहीं होता है. फिर नेम ऑफ रिसिपिएंट, जैसे हेडमास्टर, सर, क्लास टीचर, उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं, जो हमारे लेटर रिसीव करता है उसका नेम. जैसे अगर मैं 8th की क्लास टीचर हूं तो आप मुझे लेटर तो मीनाक्षी पंडिता, नीचे आपको लिखना है क्लास टीचर, ठीक है, फॉर्म टीचर. अगर आप सर को लिख रहे हो तो द हेडमास्टर यूपीएस बांडपोरा त्रकमुला. फिर है ऑफिस का नेम, स्कूल जो है उसका एड्रेस. फिर सैल्यूटेशन में हम लिख देते हैं बच्चों डियर सर या मैडम. फिर सब्जेक्ट की एप्लीकेशन फॉर कैजुअल लीव है. फिर जो आता है बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें हम एक या दो पैराग्राफ लिख देते हैं जो कि हमें पूरा कंसाइजली लिखना है, उसको स्ट्रेच नहीं करना है. उसमें रीजन जरूरी देना है कि हम आपको लेटर क्यों लिख रहे हैं, हमें अपनी स्टोरी नहीं लिखनी है, उसमें रीजन के साथ. जैसे हमें लिखनी है सैंक्शन 1 day लीव इन माय फेवर एज आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम. फिर हमें थैंक यू फॉर कंसिडरेशन लिख देना है, क्योंकि उसके लिए थैंक यू इसलिए लिख देते हैं बच्चों, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है. तो ये कंटिन्यू करते हुए लास्ट में हमें लिख देना है यूअर सिंसियरली नेम और सिग्नेचर, अपना साइन हस्ताक्षर कर देते हुए हम इस तरह से फॉर्मल लेटर को समाप्त कर देते हैं. एक बार फिर से आप फॉर्मेट देख लीजिए बच्चों, क्या है इसमें, सेंडर का नेम, एड्रेस, डेट, कैसे लिख देते हैं डेट 21 अक्टूबर, फिर कॉमा 2021, ठीक है. फिर है जिसको हम पत्र लिखते हैं, खत जिसको बोलते हैं, उसको ऑफिस नेम, एड्रेस. फिर सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम, ओके. फिर सब्जेक्ट लेटर का क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर. तो ये था टुमारो. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू द नेक्स्ट क्लास, वी विल डू द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर एंड इंट्रोडक्शन टू द इनफॉर्मल लेटर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन यूअर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.